हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? सो आज का जो ये लुक आप देख रहे हो ना, ये हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। एंड द ट्विस्ट इज़ कि मैंने सारे लैक्मे के नए लॉन्चेस एक्चुअली ऑर्डर करने का सोचा था। सो लिक्विड हाइलाइटर, अगर आपको पता होगा, लैक्मे ने नया लॉन्च किया है, मस्कारा नया लॉन्च किया है। उनके साथ साथ मैंने कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए हैं जो मुझे लेने थे, लाइक लॉन्च तो हो चुके थे बट मैंने नहीं लिए थे। जैसे दिवाली टाइम एक लिपस्टिक कलेक्शन निकला था, उसमें से एक लिपस्टिक, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड उन्हीं को यूज़ करके ये लुक भी क्रिएट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये लुक क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किए हैं 6 प्रोडक्ट्स फ्रॉम लैक्मे। और लैक्मे के ये जो नए लॉन्चेस प्लस थोड़े से पुराने लॉन्चेस, मतलब इसी साल के कुछ लॉन्चेस, ये सब अवेलेबल है अमेज़ॉन पे और मैंने वहीं से ये ऑर्डर किए हैं। तो सबकी लिंक नीचे दे दूंगी। एंड गाइज, देर इज़ अ वार्डरोब रिफ्रेश सेल गोइंग ऑन अमेज़ॉन, सो चेक दैट आउट। इट्स लाइव फ्रॉम 18 December, इट हैज़ स्टार्टेड एंड इट विल बी गोइंग ऑन। एंड ड्यूरिंग दिस सेल यू विल गेट 50-80% ऑफ on beauty and fashion, so definitely check out. Now let's concentrate on this look. So pehla product to create this look I have used is this Lakme Absolute Mousse Concealer. Now ye bahut hi similar hai Lakme Mousse Foundation se, agar aapko pata hai wo jo jar mein aata tha, I used to love that, maine bhi wo bahut use kiya hai, but कंसीलर मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। तो आई थॉट ऑफ पिकिंग दिस अप एज आई एम अप्लाइंग हियर दिस लैक्मे एब्सोल्यूट मैट रियल मूस कंसीलर। क्योंकि इसका फॉर्मूला मूसी है, ये बहुत ही लाइट वेट फील होता है, मतलब इनफैक्ट मुझे अभी बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि मैंने कोई कंसीलर लगाया है। सो इट्स वेरी वेरी लाइट वेट लाइक द फाउंडेशन एंड जस्ट ब्लेंड्स वेरी वेल। आई वॉज एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट द शेड, क्योंकि शेड्स काफ़ी लाइट होते हैं, सो मुझे लगा मुझे कैसे लगेगा, बट हनी शेड सूटेड मी। आई फील लाइक कि ऑरेंज करेक्टर यूज़ करके अगर मैं हनी यूज़ करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल गया है। डार्क सर्कल्स काइंड ऑफ कवर हो चुके हैं एंड बिकॉज इट्स लाइक अ मूसी फॉर्मूला, ये बिल्कुल ऐसे लिक्विड ही नहीं है, इट्स वेरी लाइक यू नो पाउडर लगाते हैं ना जैसे, उस तरह से आपको इफेक्ट देता है। तो जस्ट लग जाता है थोड़ा सा एंड देन व्हेन यू ब्लेंड इट कन्वर्ट्स इनटू लाइक अ पाउडर फॉर्म आई गेस। नाउ द ओनली इशू आई फेल्ट इज कंसीलर काफ़ी कम लग रहा है मुझे। आई डोंट नो इफ इट is with my particular product और सारे products के साथ यही चीज़ है, but बहुत ही कम आता है product इसके साथ। तो कम ही product है या because of the formula it's like this, I don't know how long it will go, it depends on that कि कितने जल्दी finish हो जाता है। but अभी भी लग रहा था कि शायद ये ख़त्म ही होने वाला है, इस type का मुझे feel आ रहा था। so let me know if you also have this concealer, is it the same, like ऐसे लगता है कि you know product ख़त्म होने वाला है या क्वांटिटी कम है, ऐसे लगता है क्या? लेट मी नो। ओके, आफ्टर दैट आई हैव यूज दिस पाउडर। आई नो दिस इज़ नॉट रिसेंट, इट्स बीन लॉन्ग दिस लैक्मे हैज़ दिस पाउडर। वेन एवर आई वॉन्ट टू हैड आउट एंड आई स्टिल वॉन्ट SPF इन माई पाउडर, आई ऑलवेज यूज दिस पाउडर एंड यू नो दिस। ओके, आई हैव रिव्यूड इट लॉन्ग बैक, बहुत पुराना वीडियो है मेरा। तो ये मैंने जस्ट यूज़ किया टू मैटिफाई वेर एवर आई हैव अप्लाइड कंसीलर और इवन ऑन द फुल फेस, बिकॉज इट्स वेरी लाइट, इट डजेंट फील केकी और समथिंग एंड आई लव दिस पाउडर एज वेल। सो यू कैन कैरी दिस एंड बिकॉज इट हैज़ SPF 40, यू कैन रीअप्लाई वेन एवर यू आर आउटसाइड एंड यू आर नॉट एबल टू वॉश योर फेस। यू कैन जस्ट tap out the excess dust with the tissue paper and then apply this. I have a video on how to reapply sunscreen, it's also a old video, do check that out if you want to like you know understand how to reapply sunscreen. So yeah guys, that's the sunscreen compact from Lakme which I have taken from Amazon. And the next product I have used this eyeshadow palette from Lakme Absolute Range. ये palette मेरे पास पहले से था but because हम सारे Lakme के products use कर रहे हैं, I thought थोड़ा सा eyeshadow शेडो लुक क्रिएट करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने वही यूज़ किया है और इसमें बस मैंने एक या दो शेड्स यूज़ किए हैं एंड देन आई हैव यूज़ द हीरो प्रोडक्ट विच इज़ अ न्यू लॉन्च ऑन माई आई लिड्स दैट वी विल सी इन अ बिट ऑफ टाइम। बट या दैट्स द आई शेडो पैलेट आई हैव यूज्ड। सो आफ्टर यूजिंग दैट आई शेडो पैलेट मैंने नया प्रोडक्ट यूज़ किया है, रिसेंट लॉन्च है लैक्मे से एंड दैट इज़ न्यूली लॉन्च्ड लैक्मे आइकॉनिक वॉल्यूम मस्कारा इन डीप ब्लैक। इट इज़ वेरी लाइट वेट, इट गिव्स यू इंस्टेंट वॉल्यूम एंड इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला।
बहुत ही लाइट वेट है सच में. अभी भी लाइक व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू अप्लाई एनी वे यू डोंट फील एनी थिंग कि यू नो मस्कारा हैवी है कि नहीं बिकॉज यू आर जस्ट अप्लाइंग इट. बट व्हेन इट ड्राइज एंड व्हेन लाइक कपल ऑफ आवर्स आर गॉन देन यू स्टार्ट फीलिंग दैट मस्कारा एंड आपकी लैशेज थकी थकी सी लगने लगती है. बट इट्स बीन अ वाइल बिकॉज मैंने पहले लुक क्रिएट किया एंड देन आई स्टार्टेड शूटिंग. बिफोर दैट आई ऑल्सो टुक अ कॉफी ब्रेक सो इट वॉज स्टिल ऑन माई लैशेज एंड मुझे लगता है मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि यू नो हैवी फील आ रहा है करके. इट्स वेरी लाइट वेट. इट इमीजिएटली लिफ्ट्स माई लैशेज एंड गिव्स वॉल्यूम. मैं नहीं कहूँगी कि ड्रामेटिक बना देता है बट इट डेफिनेटली लाइक मेक्स इट लुक विजिबल फॉर अदर्स दैट या आई हैव समथिंग ऑन माई लैशेज एंड माई लैशेज लुक्स कर्ल्ड एंड हैज सम वॉल्यूम. द एप्लीकेटर ऑल्सो हैज अ पॉइंटेड टिप at the front so you can also go in the inner corner for upper lashes as well as lower lashes. So overall I think this mascara is really good. सबसे लेटेस्ट एंड रीसेंट लॉन्च देखने वाले हैं अभी हम लैक्मे से एंड दैट इज़ दिस लिक्विड हाइलाइटर. इसमें आपको तीन शेड्स मिलते हैं. मैंने लिया है रोज गोल्ड शेड एंड मैंने मेरे फेस पे आज पूरा यूज़ किया है एंड एज यू कैन सी द ग्लोई ग्लोई लुक. इट्स बिकॉज ऑफ दिस इवन इट्स ऑन माई आई लिड. हाइलाइटर इज़ रियली गुड बिकॉज इट डजेंट हैव चंकी पार्टिकल्स. इट्स वेरी नाइस. इट जस्ट गेट्स ब्लेंडेड ईजिली सो यू हैव टू ऑब्वियसली वर्क फास्टर वेन यू अप्लाई लिक्विड हाइलाइटर. यहाँ पे लगाया है चीक बोन्स पे एंड एज यू कैन सी इट गिव्स सो ब्यूटिफुल यू नो हाइलाइटिंग इफेक्ट. आई लव्ड इट. आई हैव इट ऑन माई नोज. आई हैव इट हियर. आई हैव इट ऑन माई आईलिड्स एज आई टोल्ड यू. दिस लैक्मे एब्सोल्यूट लिक्विड हाइलाइटर इज वेरी लाइट वेट एंड हैज बिल्डेबल फॉर्मूला. इट गिव्स यू डीवी मेकअप लुक. लिक्विड टेक्सचर नॉट ओनली मेक्स इट इजियर टू ब्लेंड बट ऑल्सो स्टेज ऑन फॉर लॉन्गर कंपेयर टू द क्लासिक पाउडर हाइलाइटर. लेट मी टेल यू अगेन दैट आई हैव दिस इन द शेड रोज गोल्ड और ये शेड मुझे परफेक्टली सूट हो रहा है. इसमें और दो शेड्स आपको मिल जाते हैं रोज़ गोल्ड क्या बता रही हूँ वापस आइवोरी एंड ब्रॉन्ज. तो आप आपके स्किन के हिसाब से या आपके कॉम्प्लेक्शन या लाइकिंग के हिसाब से आप चेक करना कि आपको कौन सा शेड चाहिए एंड डेफिनेटली चेकआउट करना बिकॉज इसका फॉर्मूला भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. लिक्विड हाइलाइटर एक अच्छी तरह से ब्लेंडेबल फॉर्मूला में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड स्किन पे अच्छे से मिल घुल जाना चाहिए. अदरवाइज काफ़ी चंकी या पैची दिख जाता है बट एज यू कैन सी इट ब्लेंड्स वेल. दैट्स वाई इट डजेंट लुक पैची. इनफैक्ट इट gives the glowy look. हाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया है आज because I have to show you how it looks. अगर आपको थोड़ा सा light, you know, subtle look चाहिए तो definitely use less. Now when I have used it on my eyelid, guys, मुझे लगा था कि ये थोड़ी देर बाद crease होने लगेगा because it's a liquid highlighter. But because it settles down after some time, like till the time you apply and it's in the liquid form, it will like blend and you have to blend it properly but once it's done it will set. Okay, it will not budge. So now if I see closely there are no crease lines and it looks perfect on my eyelid as you can see. So do check out this liquid highlighter if you are thinking to buy because it's a new launch. To aap soch hi rahe honge. So aapne dekh hi liya kaise kaam karta hai. So now let's move to the last product. The last product jo maine Lakme se liya hai wo hai ye lipstick. I know this is not a new launch. Ye Diwali time pe launch hui thi. Limited edition hai. Of course it's available now. That's why I have taken and look at the packaging. The very first thing is the packaging. बहुत ही रिच एंड लग्जूरियस पैकेजिंग. आई लव द पैकेजिंग. व्हेन यू होल्ड इट यू विल अंडरस्टैंड द पैकेजिंग एंड यू विल फील गुड. सो दैट्स लैक्मे लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक इन पिंक ग्लैम विच आई हैव टेकन. और ये स्पेशली फेस्टिव सीजन में लॉन्च हुई थी. इसका फिनिश कंप्लीट मैट लुक नहीं देता है बिकॉज इट हैज़ द मॉइस्चर फॉर्मूला. सो इफ यू वॉन्ट finish like that you can just you know remove the lipstick on your like hand or with the tissue a bit so that it will give you that you know slightly matter and nice finish. But overall lovely formula, lovely packaging and this lovely color. I would definitely love to try the other shades in this and it's very affordable too. Oh yeah, that's the last product from Lakme that I have taken from Amazon and I love this color, guys. What do you think? Let me know in the comment section. That's done. Let's meet in another video. Till that time, take care of yourself. And if you have not subscribed to my channel, please do it now with the bell button. And I'll see you in my next video. Bye-bye.